आखिर ये पैराडाइज लीक मामला है क्या जिस पर अब बवाल मच रहा है? दरअसल टैक्स बचाने के लिए विदेश में फर्जी कंपनियों के में निवेश से जुड़ा यह खुलासा है। जर्मनी के अखबार और अंतर्राष्ट्रीय खोजी पत्रकार संघ ICIJ ने मिलकर इसका खुलासा किया। इसमें 1,34,00,000 पेज है और 180 देशों के लेन देन इसमें शामिल है। लेन देन की संख्या के आधार पर भारत का नंबर 19वां है और दावा यह है कि भारत के 714 लोगों के नाम इसमें शामिल हैं। इसके अलावा कनाडा के पीएम के 6 करोड़ डॉलर के निवेश और ब्रिटेन की महारानी के निवेश का भी जिक्र है। भारत की बात करें तो पैराडाइज लीक में अमिताभ बच्चन, जयंत सिन्हा के अलावा नीरा राडिया और संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त का भी जिक्र किया गया है। पैराडाइज पेपर लीक में जयंत सिन्हा और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े नाम शामिल हैं।